नमस्कार, आप देख रहे हैं बीआरजी न्यूज। केवड़िया कॉलोनी से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर नव निर्मित बस अड्डे का लोकार्पण राज्य मंत्री पूर्णेश भाई मोदी के हाथों करवाया गया है। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया कॉलोनी के एकता नगर में 5,145 वर्ग मीटर के क्षेत्र में ₹388.63 लाख की लागत से बने नव निर्मित बस अड्डे का आज लोकार्पण करवाया गया। दरअसल सड़क परिवहन और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री और नर्मदा जिले के प्रभारी मंत्री पूर्णेश भाई मोदी के हाथों ये लोकार्पण हुआ। इस लोकार्पण समारोह में भरूच लोकसभा के सांसद मनसुख भाई वसावा, नांदोद कांग्रेस पार्टी के विधायक पीडी वसावा, बीजेपी के जिलाध्यक्ष घनश्याम भाई पटेल, जिला पंचायत के अध्यक्ष पर्युषाबेन वसावा और गरुडेश्वर तालुका पंचायत की अध्यक्ष सुमित्राबेन भील भी उपस्थित रहे। जो वधारे में वधारे सगवड જોઈતી હોય તો આ વિસ્તારના વિદ્યાર્થીઓને છે। ડીસી સાહેબને મારે વિનંતી છે કે નર્મદા જિલ્લાના ઉંડાણા જે ગામો છે, જ્યાંથી ज्ञान लेवा भणवा माटे जे विद्यार्थीओ आवे छे एने कोई पण जातनी तकलीफ ना पड़े एवी व्यवस्था, एवा रूट, एवो समय प्रमाणे बसो उपड़शे। तो मने एवुं लागे छे के जे आदिवासीओ मां अत्यारे भणवाने जे भूख जागी छे, शिक्षा क्षेत्रे एक नवी फाड़ भरवी छे, नवो करवू छे, પોતાની કેરિયર માટે કરવું છે, પોતાના રાજ્ય અને દેશ માટે કંઈક યોગદાન આપવું છે, તો એ વિદ્યાર્થીને જે બેઝિક ફેસિલિટી છે એ પૂરી પાડવાની જવાબદારી રાજ્ય સરકારની છે। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। बीआरजी न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही बीआरजी न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।